शिवपुरी में खेल एवं युवा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज एक दिवसीय प्रभास पर शिवपुरी आए। इस दौरान सीएम राइज स्कूल भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। 42 करोड़ 50 लाख की लागत में यह स्कूल तैयार किया गया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अब छोटे शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। सीएम राइज स्कूल इनका उदाहरण है। यह बड़े स्कूल की तरह बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। वही यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि इन स्कूलों में बच्चों को टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अच्छी शिक्षा मिले और वह आगे रोजगार के लिए अवसर प्राप्त करें। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे समय में लड़कियों को घर गृहस्थी का काम तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज का समय बदल गया है। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वह अपने अधिकारियों के लिए लड़ी, लड़कियों भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़े। एक तो हमारी एक्सलेंट स्कूल है, पर दूसरा हमारा सीएम राइज होना चाहिए जिसमें आधुनिक कक्षाएं और आधुनिक टाइप ऑफ प्लेग्राउंड और खेल की सुविधाएं और लैब्स और कक्षाएं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे होंगी। तो प्राइवेट स्कूल्स तो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट की स्कूल अभी तक इतनी आधुनिक नहीं बनी है। इसीलिए अब चारों तरफ हर जिले में ये सीएम राइज स्कूल बनेंगे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।